नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज़ादी के 74 साल के बाद भी समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले महादलित परिवारों का क्या हाल है, आज हम आपको दिखाने आए हैं। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड के सोनमनकी घाट जब आप जाएंगे तो इटवा ढाला के पास सन 2010 ईस्वी में वाजगित पर्चा देकर 31 परिवारों को बसाया गया था और बीच खेत में, लेकिन आज तक इन लोगों को रास्ता मुहैया नहीं कराया गया। निजी खेतों होकर आना और जाना पड़ता है और स्थितियां तब बिगड़ जाती है जब बाढ़ की विभीषिका में छाती भर पानी में आना पड़ता है। यूं मानिए हर साल दिवाली और छठ बांध के किनारे मनाते हैं और आइए हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि क्या स्थिति है और सरकारी योजनाओं का धरातल पर क्या है। नल जल की बात करें, चाहे हम हर घर बिजली पहुंचाने की बात करें या फिर और भी मूलभूत सुविधाएं। मर जमीन दिखाया रोड बगल का, रोड बगल को दिखा को यहाँ गड्ढों में फेंक दिया। नहीं यहाँ कोई आता है, कोई नेता आता है देखने के लिए, कोई नहीं आता है सुनने के लिए। यहाँ छाती भर पानी बसता है, सब जनता यहाँ 2-3 महीना रहता है, इसके बाद सभी आदमी बांध पर रहता है। हम लोग बोले उस टाइम सीओ साहब था, बीडीओ साहब, हम बोले कि पूनम दीदी खद्दों में जमीन दिया है, खद्दों में जमीन दिया है तो वहाँ छाती भर पानी है, गलों भर पानी है, कैसे हम लोग जमीन पर बितावे समय। पूनम यादव बोला कि सीओ साहब का, सीओ साहब लिखिए, बार बार मंजू देवी शिकायत लिख रहा है, बोल रहा है वो जमीन लिखिए। तेकर बाद में पत्रकार साहब आया, यहाँ से वीडियो कैमरा बना के ले गया, यहाँ कोई नहीं आता है देखने के लिए, कोई नहीं आता है सुनने के लिए, फायदा मौकाने मौका लेने के लिए जनता आता है, मरता है जनता या घंटा डोलाता है नेता, यहाँ किसी का कोई देखने वाला नहीं है। जही माँ को बच्चा होगा धरती पर, वही इस टोला को मोहल्ला को इस करेगा व्यवस्था, नहीं इस गुंडागर्दी टोला पर नहीं होगा। अच्छा, इस टोला का क्या नाम है? ये टोला का नाम है इटवा ढाला, पहले इटवा ढाला था। अच्छा, हाँ, इटवा ढाला, हाँ। है। और बताइए कि जो सरकारी योजना है, हम अगर बात करें नल जल का, बिजली का, आया नहीं? यहाँ कुछ भी नहीं आया है, कोई आईबे नहीं करता है देखने के लिए। कितना परिवार है यहाँ पर? 150 परिवार है। मकान सब देख रहे हैं, सब आवास मिला होगा आप लोग? अपना रूपा से बनाया है, 30,000 रूपा दिया जिस टाइम आया वीडियो साहब, डीएम साहब फीता काटने के लिए वहाँ पर। उस टाइम हम बोले पूनम दीदी के कि पूनम दीदी हम लोग को खद्दा में दे के तुम लोग बुरा दिया। पूनम दीदी बोला क्या, समाज बोला कि से उस जगह आपका इंदिरा आवास मिला। हम बोले कि सभी जितना नेता है सभी आदमी है, हम लोग भूख मरते थे, भर छाती पानता हमें लोग खा गए, खाने का मतलब समझते हो नहीं हो, माटी भरा माटी भस गया। अच्छा, आप बताइए कि आप कितना पढ़ी लिखी भी हैं? ना हम पढ़ा लिखा नहीं है। आप इतना फर्राटे था कैसे बोल? फरवार नहीं रहेंगे, पहले रहते थे फरकिया में, हाँ ये जानते नहीं है जादव लंट होता है, जादव को भत्ता से छोटा लोग ऊंचा आवाज बोला, ऊंचा आवाज नहीं बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, हाँ इसीलिए आप ऊंचा आवाज, हाँ ऊंचा आवाज नहीं बोले तब हम लोग को, हम लोग को सबका फंद नहीं देता है। इस जगह न बिजली आता है, न जगह रोड है, न रास्ता है। तेकर बाद में जमींदारों को बोला तो बोला कि इस रोड का हम रुपया लेंगे, हम बोले उसका कि जब आप रोड का रुपया लीजिएगा तो जैना वहाँ खदान दियाता है वह टाइम हमको खदान जमीन दे देता है। हम मालिक के बोले कि केस करेंगे हम आप पर, बोला जाओ कर दो। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सब महादलित परिवार ही हैं? जी जी। सब कितने परिवार हैं यहाँ पर? ये 150 परिवार। 150 परिवार, यानी पर्चा उस वक्त 2010 में कितने लोग? 31 लोगों को मिला था। 31 आदमी को मिला, 31 लोगों को। लेकिन ये बीच खेत में दिया, आप लोग उसमें विरोध नहीं किए? विरोध हम लोग किए, तो जमींदार बोला और सीओ जो है ना बोला कि देखो जहाँ कागज आपको बन गया वहीं जाना पड़ेगा। हम इसी लड़ाई बहुत लड़े, हमारे पंचायत स्तर से मुखिया जी बहुत लड़े, सरपंच भी लड़े, तो सारे समाजों को लोग आया, 150 कम से कम बोला कि देखो जहाँ सरकार का पर्चा बना है आपको वहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, और जमींदार बदली करेगा तब, अगर नहीं बदली करेगा तो वहीं जाना पड़ेगा। जमींदार बोला कि जो आपको रोड लेवल है
रोड लेवल के हम भरवा देते हैं। शिकायत बोले छी भरवा देते हैं पर भराने के लिए कोई पैसा दिया ऐसे ऐसे दलाल लोग आया कि सारे पैसे खा के बस बराबर हो गया, कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम भजन राम जी। अच्छा, इस गांव का क्या नाम है? ये इटवा ढाला का लगता है। कितना दिक्कत होता है जब सरकारी बिजली नहीं है, बिना लाइन का रहते हैं, और नल जल पहुंचा यहाँ पे पानी वाला नल? बहुत दिक्कत होता है, सब कीड़ा भी आता है अक्सर, कोई काट खूट लेता है तो मर जाता है। बहुत दिक्कत होता है यहाँ, बहुत दिक्कत। नई स्कूल है, शौचालय का पैसा वगैरह मिला है यहाँ के लोगों को? शौचालय को मिला है, कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। अच्छा, कुछ को नहीं मिला है। और आवास, आवास प्रधानमंत्री आवास मिला? इंदिरा आवास मिला तो कुछ रूपा दिया, कुछ नहीं दिया। कितने लोगों को ऐसा है जिसको पैसा नहीं मिला है? वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता, अनाज मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, अनाज मिलता है सारे को। यहाँ पे जैसे 60 साल से ऊपर के जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। आपका कितना उम्र हो रहा है? हमको तो 60-70 हो गया। 70 में हुआ। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इन बस्तियों में आने से आपको आज भी लगेगा कि जहाँ जमाना चांद पर जाने की बात कह रहा है, तो ऐसे में कुछ ऐसे भी गाँव हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं नदारद है। नदारद अगर हम बात करें सीएम नीतीश कुमार का वो महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, यहाँ पर आपको दूरों दूर तक कहीं पर भी कोई एक पोल और एक कोई बल्ब नजर नहीं आएगी। ये खगड़िया से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी सफर कर जब आप आएंगे सुनमन की घाट की तरफ, उससे पहले इटवा ढाला जहाँ पर महादलित परिवार को 2010 में बसाया गया था। अब देखना लाजमी है कि क्या खगड़िया के प्रशासन या फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन लोगों तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने की, क्या पहुंचाई जाती है या नहीं। फिर ऐसे ही इन लोगों का दिनचर्या खाना बदोश की जिंदगी जीते रहेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। खगड़िया शहर का एकमात्र डायमंड शोरूम, इकलौता शोरूम है, इसकी हमारी कोई भी दूसरी शाखा नहीं है। मेन रोड भारत वस्त्रालय के नज़दीक।